हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज जो पहला आर्टिकल है वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेके है। ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या, वो देख लेते हैं। देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब जो विकासशील देश हैं, इनमें क्लाइमेट चेंज के काफ़ी बड़े इश्यूज हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो इनसे निपटने के लिए इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उसी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो बनाया गया था। देखो, हम बात करें डेवलप कंट्री, जैसे डेवलप कंट्री की बात करेंगे, यूएसए हुआ, यूके हुआ, ये कंट्रीज़ क्या हैं, इनके पास तो खूब पैसा है और खूब अच्छी टेक्नोलॉजीज होती है। तो ये तो क्या करती हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पास अपनी जो एफिशिएंसी है उसका यूज़ कर लेती हैं, मतलब ये एमिशंस को कम कर लेती हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इनको मिल जाते हैं। अब बात करें हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनका पैसा भी खर्च हो रहा होता है, उनके पास ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है। तो इसलिए उनको फाइनेंशियल एड है, या फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो बनाया गया था, जिसका काम क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फाइनेंशियल एड है वो देता है। 2015 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि हर साल आयोजित होती है, तो 2015 का जो एडिशन था उसमें बेसिकली ग्रीन क्लाइमेट फंड को अडॉप्ट है वो किया गया था। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सॉरी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 15वां सेशन था, जिसे COP 15 के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली हुआ था 2010 में, और उसके तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया था। 2010 के अंदर बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, UNCCC, उसमें बेसिकली कोपेनहेगन अकॉर्ड है वो बेसिकली ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। यूपीएससी पूछ सकती है कि कोपेनहेगन अकॉर्ड में क्या हुआ था, तो ध्यान रखना है कि उसके तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो बनाया गया था। बेसिकली इसे ग्रीन क्लाइमेट फंड को कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड भी से नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोपेनहेगन में बेसिकली अकॉर्ड है वो किया गया था, तो इसलिए कोपेनहेगन नाम को बेसिकली जोड़ है वो दिया गया। इसके बाद 2010 में तो क्या हुआ, ग्रीन क्लाइमेट फंड को बना लिया गया, बट 2011 में जो डरबिन है, जो कि साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे बेसिकली इसको एक्टिव फॉर्म में लाया गया, या फिर इसे अडोप्ट है वो किया गया। मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड है, बना तो 2010 में था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 15वीं मीटिंग हुई थी उसके तहत, बट इसे अडोप्ट किया गया था। अडोप्ट किया गया था कहाँ पे, 2011 के अंदर, डरबिन, जो कि साउथ अफ्रीका में। तो इसको लेके दो चार फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया था कोप इंडिया एयर एक्साइज के बारे में। देखो, कोप इंडिया जो एयर एक्साइज है वो बेसिकली इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। 2014 से बेसिकली इस एक्साइज को स्टार्ट है वो किया गया था। तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट ये है कि इस बार जापान है वो भी इसमें शामिल हो रहा है, मतलब इंडिया, यूएस और जापान है, वो तीनों मिलके बेसिकली एक साइज है वो करेंगे, और इसका जो एडिशन है वो 2018 के भी दिसंबर में होने वाला है। दिसंबर 2018 में जापान में भी इसमें शामिल है वो हो जाएगा। चलो, आप मालाबार एक्साइज के बारे में बताइए कि मालाबार एक्साइज कब स्टार्ट हुई थी, और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है, और कौन सी एक्साइज है, तो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है चाइना का आर्टिफिशियल मून को लेके। देखो, चाइना प्लान कर रहा है कि 2020 तक आर्टिफिशियल मून है उसको स्पेस में भेजा जा सके। अब आर्टिफिशियल मून का कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो थोड़ा वो देख लेते हैं, फिर हम जानते हैं कि क्या क्या फैक्ट वगैरह है। तो एक तो देखो, छोटा सा फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि चाइना है वो अपना एक आर्टिफिशियल मून है वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, आपको पता है कि हर सिटी के अंदर अगर लाइट हमें लगानी होती है तो उसके लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च करना होता है, और काफ़ी सारी एनर्जी है वो कंज्यूम की जाती है। मतलब एक सिटी के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में स्ट्रीट लाइटें लगानी होती हैं और बहुत सा पैसा खर्च होता है, तो जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। तो इसको बचाने के लिए चाइना ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है। इसमें होगा क्या, जिस तरीके से देखो, चंद्रमा का एग्जाम्पल लेते हैं, चंद्रमा कैसे चमकता है, सन की जो लाइट है वो चंद्रमा की जो सरफेस है उस पर आके टकराती है, और जो रिफ्लेक्ट होती है इससे, तो वो हमें जो मून है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उसी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होगा कि चाइना है वो एक तरीके का एक सेटेलाइट है वो लॉन्च करेगा, जिसे बेसिकली जाना जाएगा इल्यूमिनेशन सेटेलाइट के तौर पे। तो ये सेटेलाइट क्या करेगा, इस पे भी एक तरीके की लेयर होगी, एक आवरण होगा ग्लास की तरह का, जो क्या करेगा, जो सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और वो लाइट गिरेगी कहाँ पे, चाइना के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया का फोकस किया जा रहा है, एक सिटी का जहाँ पे, तो वहाँ पे एक तरीके से क्या होगा कि लाइट की जरूरत है वो नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चाइना काम है वो कर रहा है। अब बात करें कि ये कहाँ लॉन्च किया जाएगा, तो जो देखो अर्थ है हमारी, इसकी 500 किलोमीटर की हाइट पे बेसिकली इसको लॉन्च है वो किया जाएगा, और जो मून है इससे 8 गुना ज़्यादा चमकदार लाइट है ये प्रोवाइड करवाएगा। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ADMM+ के बारे में, या फिर ADMM। तो हम दोनों चीज़ों को जानते हैं कि ADMM क्या है और ADMM+ क्या है। देखो, ADMM का मतलब है आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग,
ये तो हो गया एडीएम। तो आसियान में कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज। तो जब 10 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं तो वो तो हो गया एडीएमएम। और प्लस का मतलब क्या हो गया? जिस तरीके से देखो आसियान प्लस है, आसियान प्लस 6 होता है, आसियान प्लस 3 होता है, तो उसी तरीके से मतलब इन 10 कंट्रीज के अलावा और कंट्रीज ऐड होती हैं, वो होता है एडीएमएम प्लस। कंटेक्स्ट अभी ये था कि अभी रिसेंटली आसियान डिफेंस मिनिस्टर जो मीटिंग थी उसका जो 10वां एडिशन है वो अभी एक तरीके से आयोजित है, वो किया गया था। तो उसके बारे में हम थोड़े देख लेते हैं। देखो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। आसियान के अंदर में बताया कि 10 कंट्रीज हैं, तो उसी तौर पे यहाँ पे प्लस में भी कुछ कंट्री ऐड है वो हो गई हैं। तो देखो आसियान प्लस 6 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो देखते हैं। इसके साथ इसमें 2 कंट्रीज़ और हैं, मतलब जो एडीएमएम प्लस है इसमें 10 कंट्रीज़ प्लस 6 कंट्री और हैं और 2 कंट्री और हैं। तो कौन कौन सी हैं? 10 तो आसियान की, 6 कौन कौन सी, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं। 6 कौन कौन सी? एक तो हो गया साउथ कोरिया हो गया, एक जापान हो गया, एक चाइना हो गया। इसके साथ बात करें 3 और, तो एक तो हो गया इंडिया, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार कुछ 6 हो गई हैं। इसके बाद प्लस 2 में कौन सी हो रहे हैं? प्लस 2 में एक तो रूस और एक हो जाता है यहाँ पे यूएसए। तो इस प्रकार एडीएमएम प्लस की ये मीटिंग है वो हुई थी। तो हमें ध्यान में रखना है कि एडीएमएम प्लस का इंडिया मेंबर है। यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि इंडिया एडीएमएम का मेंबर है, तो जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया एडीएमएम का नहीं, एडीएम प्लस का मेंबर है इंडिया। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अभी जो इसका 5वां सेशन है, जो 5वीं मीटिंग है, वो बेसिकली सिंगापुर में आयोजित है, वो की गई थी। अब इस पर कौन कौन से एरियाज में फोकस किया गया? मेरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, ह्यूमेनिटेरियन और इसके साथ शांति, जो ऑपरेशन और पीस कोऑपरेशन वगैरह चलते हैं उनके लिए, और जो मिलिट्री मेडिसिन वगैरह होते हैं इनके लिए बेसिकली आपस में सहयोग की बातें हैं वो की गई। तो यहाँ पे 2-4 फैक्ट्स देखो यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकती है। एक तो ऐसे पूछ सकती है कि इंडिया है वो एडीएमएम का मेंबर है, तो हमें ध्यान रखना है कि एडीएमएम का नहीं, इंडिया एडीएमएम प्लस का मेंबर है। उसी तरीके से इंडिया आसियान प्लस का मेंबर है, ना कि इंडिया आसियान का मेंबर है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एशिया यूरोप मीटिंग के बारे में, एएसईएम। देखो एशिया और जो यूरोपियन यूनियन है इसका एक ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बेसिकली 51 कंट्रीज मेंबर हैं। होता क्या है, हर 2 साल में बेसिकली ये मीटिंग है वो आयोजित होती है। एक एक बार तो होती है यूरोप में और एक बार होती है एशिया में। तो अभी जो 12वां एडिशन है वो बेसिकली बेल्जियम में आयोजित है वो किया गया। तो ये तो हो गया कंटेक्स्ट। थीम 30 बार की वो रही है ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। देखो इस बार फोकस किया गया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर के लिए, और इसमें आपस में बातचीत की जाती है कि किस तरीके से आपस में रिलेशन हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, कहाँ पे इकोनॉमी में बेनिफिट हमें हो सकता है। तो उन एरियाज पे बेसिकली इस मीटिंग में फोकस किया जाता है कि आपस में मिल बांट के आगे बढ़ा जा सके। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी ये मीटिंग होती है जिसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बेसिकली नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि एशिया की कोई कंट्री उन डिसीजन को माने या नहीं माने, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है वो वर्ल्ड का पहला ऐसा स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत इंक्लूड है, वो किया गया है। देखो बात करें 2016 में ही इंडिया को सिक्किम, इंडिया का जो सॉरी सिक्किम है उसको इंडिया में ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पर दर्जा दे दिया गया था, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड के द्वारा भी उसे नवाजा वो गया है। और अभी हुआ क्या, अभी जो वर्ल्ड जो फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड है वो बेसिकली सिक्किम को दिया गया है कि भाई उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट किया है और पूरे स्टेट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो की जाती है। तो यह ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड फ्यूचर एक काउंसिल जो कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को, तो उसने अभी फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड है वो सिक्किम को दिया है। क्यों? कंटेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस अवार्ड को बेसिकली यूएन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड या फिर ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों नामों से हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यूपीएससी पूछ सकती है कि अभी रिसेंटली ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसी अवार्ड है किसे दिया गया, नाम दे देगी वहाँ पर आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या स्टेट वगैरह, तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ इस बारे में नहीं होना है। ये थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। पीडीएफ इसकी आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर मैंने आपको लिंक वो प्रोवाइड करवाया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही।